दोस्तों, सतयुग में बहुत से बड़े बड़े योद्धा थे जिनमें एक से बढ़कर एक ताकत तथा शक्तियाँ थी। पिछली वीडियो में आपने महाभारत के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं के बारे में जाना और इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल लवर में। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कुंभकर्ण। दोस्तों, कुंभकर्ण रावण के छोटे भाई थे। वे आयु में तो रावण से छोटे थे, परंतु साइज में रावण से 100 गुना बड़े थे। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की कई साल तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वे उनसे यह वरदान मांगना चाहते थे कि मुझे 6 महीने जागना है तथा 1 दिन सोना है, लेकिन इससे पूरी दुनिया को खतरा हो जाता। इसलिए माता सरस्वती उनकी जुबान पर बैठ जाती हैं और उनके मुंह से यह बुलवा देती है कि मुझे 6 महीने सोना है और 1 दिन जागना है। उसी दिन के बाद वो 6 महीने सोते थे और सिर्फ 1 दिन जागते थे। वो साइज में इतने बड़े थे कि अपने एक पैर के नीचे 100 लोगों को आराम से कुचल सकते थे। कुंभकर्ण ने युद्ध में हनुमान जी को भी घायल कर दिया था और सुग्रीव को बंदी बना लिया था। इसके बाद श्री राम ने उनका वध कर दिया। मेघनाथ। मेघनाथ को हम इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। मेघनाथ ने एक युद्ध में इंद्रदेव को हरा दिया था, तभी से उनका नाम इंद्रजीत पड़ा। मेघनाथ रावण के सबसे बड़े पुत्र थे और एक शक्तिशाली योद्धा भी थे। मेघनाथ को यह वरदान मिला था कि अगर वो युद्ध में उतरने से पहले अपना यज्ञ पूरा कर ले तो उनको युद्ध में हरा पाना नामुमकिन था। इसीलिए लक्ष्मण जी ने उनका यज्ञ पूरा नहीं होने दिया था और युद्ध में मेघनाथ को मार गिराया। लेकिन उस युद्ध से पहले मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को एक बार मूर्छित कर दिया था। मेघनाथ के पास बहुत से दैवीय अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें से ब्रह्मास्त्र भी एक था। अतिकाया। अतिकाया रावण के पुत्र थे। वे मेघनाथ से छोटे थे। एक बार अतिकाया ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव को क्रोधित कर दिया, जिसके चलते शिव जी ने उन पर अपने त्रिशूल से वार कर दिया। लेकिन अतिकाया ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसके बाद अपने हाथों को भगवान शिव की तरफ जोड़ दिया, जिससे कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अतिकाया को बहुत से दैवीय शस्त्र तथा अपना आशीर्वाद दिया। अतिकाया के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ अजय कवच भी था, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनका वध कर दिया। अंगद। अंगद बाली के पुत्र थे और वे बहुत शक्तिशाली थे। अंगद ने रामायण के युद्ध में रावण के पुत्र नंदक और उनके सेनापति पार्श्व को मार गिराया था। जब अंगद रावण की लंका में श्री राम के दूत बनकर गए थे, तब वहां उनको बहुत अपमानित किया गया, जिसके बाद अंगद ने रावण के सभी योद्धाओं को चैलेंज किया कि तुम सभी योद्धाओं में से यदि मेरा पैर कोई जमीन से हिला दे तो श्री राम अपनी सेना लेकर लौट जाएंगे। लंका के बड़े बड़े योद्धा अंगद के पाँव को हिला ना सके, यहाँ तक कि मेघनाथ जैसे शक्तिशाली योद्धा भी उनके पैर को हिला नहीं सके। और जब रावण उनके पैर को उठाने के लिए उनके पास आए तो अंगद ने अपना पांव पीछे कर लिया और रावण को कहा कि अगर तुम्हें पांव पकड़ने ही हैं तो श्री राम के पकड़ो, वे बहुत दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। जामवंत। जामवंत भालुओं के राजा थे। भगवान श्री राम ने उन्हें अमर होने का आशीर्वाद तथा 1 करोड़ शेरों की ताकत दी थी। जामवंत ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। उसके बाद ही हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका तक गए थे। कुछ दशकों बाद जामवंत का श्री कृष्ण जी के साथ भी युद्ध हुआ था। लक्ष्मण। लक्ष्मण श्री राम जी के छोटे भाई थे। वो श्री राम जी की तरह ही बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण के पुत्र अतिकाया और मेघनाथ को मार गिराया था। इसके अलावा उन्होंने रावण के बहुत से बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया था। लक्ष्मण जी ने ही रावण की बहन सूर्पनखा की नाक काटी थी, जिसके बाद रावण ने सीता माता का हरण किया था। उसके बाद ही यह भयंकर युद्ध हुआ। रावण। रावण लंका के राजा तथा सबसे शक्तिशाली राक्षस थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा कि उनको कोई भी देवता या राक्षस ना मार सके। इसी वजह से भगवान विष्णु ने मानव जाति में राम के रूप में जन्म लिया था।
तभी रावण को मारना संभव हो सका। रावण को दशानन भी कहते थे क्योंकि उनके 10 सिर थे। उनका अगर सर भी कट जाता था तो उनकी मृत्यु नहीं होती थी। बाली बहुत शक्तिशाली थे। बाली को यह वरदान मिला हुआ था कि अगर बाली के साथ कोई भी लड़ेगा तो बाली के सामने आने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। इसी वजह से बाली किसी से नहीं हारता था। यहाँ तक कि बाली ने रावण को भी युद्ध में हराया था और 6 महीने तक अपनी बाजू से दबा कर रखा था। हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं। वे वायुदेव के पुत्र हैं। वे सुग्रीव की वानर सेना के सेनापति भी थे। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। हनुमान जी अमर हैं। आज भी बहुत से लोग उनको देखे जाने का दावा करते हैं। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं तथा भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री राम स्वभाव में बहुत विनम्र और शांत थे। उन्होंने भगवान परशुराम के धनुष को एक हाथ से उठाकर तोड़ दिया था, जिसे रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा भी नहीं उठा पाया था। रामायण के युद्ध में श्री राम ने बहुत से बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया था, जिसमें कुंभकर्ण तथा लंका के राजा सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। हर हर महादेव।